नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल की नई अनाज मंडी में जो धान की आवक है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि सभी किसानों को ये पता था कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होने जा रही है। इसी को लेकर सभी किसानों ने अपनी धान खेतों से काट ली और ट्रालियों में भरकर आज करनाल की अनाज मंडी में लेकर आए हैं, और आसपास के गांव के किसान यहां पर लाइनों में लग चुके हैं ताकि उनकी धान की खरीद हो सके। परंतु सरकार द्वारा अचानक रात को इस पर 10 दिन और पीछे हटा दिया, क्योंकि अब 11 तारीख से बताया जा रहा है कि धान की खरीद शुरू होगी, जिसके कारण किसानों में भी कहीं ना कहीं गुस्सा है कि उनको लारा पहले लगा दिया कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद होगी, परंतु अब अचानक 11 तारीख कर दी गई है। किसान यहाँ पर आए हैं, उनसे भी जानते हैं। बताया जा रहा है कि किसानों को ये पता था कि 1 तारीख को धान की खरीद होगी, परंतु अब अचानक यहाँ पर पता लगा कि अब खरीद 11 तारीख से शुरू होगी। हमारे साथ किसान हैं जो कि यहाँ पर आए हैं, सुबह से यहाँ पर लाइन में लड़े, अब उनको पास कटवाने का नंबर, गेट पास बनवाने का नंबर आया, उनसे जानते हैं। सर, क्या पता लगा आज, किस लिए यहाँ पर आए थे? सर, मैं जीरी लेके आया हूँ गाँव डबरी से। मैं सुबह का खड़ा हूँ 7:45 बजे का जी। अब टाइम देख लो, 10:15 हो चुके हैं। अब मेरा नंबर आया, पहले बोली बोल रहे थे 25 तारीख को आएगी, फिर पहली को आएगी, अब वो आज पता चला है अभी 11 तारीख को आ रही है। अब खरीद 11 तारीख को होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे किसानों के साथ? परेशान ही किसान तो परेशान ही परेशान है। पहले कृषि कानूनों को लेकर परेशान है, अब धान खरीद पीछे हट गई। कल के जिमीदार कटाई करा रहे हैं, अभी 1 तारीख को बोली आएगी तो हमारी खरीद शुरू हो जाएगी, फिर अभी नहीं हो चुकी है। आप कितने? 3 ट्राली ले गया हूँ मैं। 3 ट्राली लाए हैं। हाँ जी। और यहाँ पता लगा कि आप खरीद नहीं है। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, बैठेंगे और जीरी खराब होगी, अंदर खराब होगी। हाँ जी, तो होगी नहीं, ट्राली में नहीं रुकेगी जी, यूं थोड़ी है जी, जीरी है। 11 दिन तक तो वैसे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो अब क्या होता है। सस्ती जा रही अंदर तो 500 रुपए। हाँ जी, सस्ती जरूर जी। अब ये पीआर? हाँ, पीयर। हाँ, पीयर भी है, पीयर 14। पीआर की सरकारी बोली होगी उसकी तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब आप क्या करोगे? अब क्या करेंगे, बैठेंगे वहाँ और क्या करेंगे। क्या नाम आपका? मुख्तियार। मुख्तियार, हाँ जी। ये थे मुख्तियार डबरी से, जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं, और उनकी जो अब गेट पास बनवाया, परंतु अंदर खरीद न होने से अब वो अंदर इंतजार करेंगे। 11 तारीख का टाइम दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ और भी किसान आए हैं जो कि धान इसलिए लाए थे कि आज बोली शुरू होगी। यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम आपका? सिरसीदा। सिरसीदा। कहाँ से आए हैं? सिरसीदा। सिरसी से। क्या आपको पता लगा था आज? दुकान पहले दुकान 25 तारीख ना खरीद हो गवर्नमेंट की। अच्छा। फिर पहली ना कह दिया, कल कटवा ली दुकान कौन दी। कल आपने धान काट दी? सांझ कटवाए थे। ट्राली भर के ले आए? ट्राली भर रखे, 4 बोरी खड़ी। क्या करोगे? फिर क्या करें, देखते भी हटती क्या कहा कहते घेर देंगे और क्या करेंगे। परेशानी है? हाँ, परेशानी तो ही है, परेशानी। गवर्नमेंट खरीद नहीं कर रही। सर, क्या कहेंगे गेट पास बिल्कुल है जी। अब आपके लिए ऑप्शन क्या है, कैसे? ऑप्शन तो ये है जी, सड़कों पे बैठना पड़ेगा, जिम्मेदार बड़ी मुश्किल है, ऊपर से मौसम खराब है। हुआ क्या, यहाँ पता क्या लगा? पहले कह रहे थे 25 तारीख को बोली होगी, उसके बाद कह रहे पहली को होगी, अब कहने लगे 11 को। हमें जीरी लेके आया अभी मंडी में, कहने लगे 10 किलो की जीरी है जी, 4 ट्राली। हाँ, ये कहने लगे अब तो भाई ये तो 11 तारीख को होगी अभी, 38 ने बताया। ऐसे थोड़ी होगा जी, अब तो सड़कों पर बैठना पड़ेगा, ऊपर से मौसम खराब है, खेतों से बड़ी मुश्किल में कटवा के लेके आ रहे। जब से जीरी लगाई थी, जब से मौसम ने पहले जीरी वैसे मारी, फिर दोबारा लगाई, फिर बड़ी मुश्किल में तैयार की, अब ये गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत नजायज वो करी है जी। तो रात अचानक पता लगा? हाँ, अभी हमने तो सवेरे ही पता लगे जी, हम तो 5 बजे कह रहे। हाँ जी, सवेरे पता लगे भाई ये तो 11 तारीख को परचेज करेगी गवर्नमेंट। क्या कहेंगे, सरकार परेशान कर रही? बिल्कुल परेशान कर रही जी, इससे तो बड़ी हमारी जमीन अक्वायर कर लानी, ले ला अपना कुछ अडानी तो दो, अंबानी तो दो, या किसी को दो, इससे बड़ी तो हम नहीं ठीक है तो वो। हाँ जी, अब आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ आगे आप गेट पे खड़े? बस वो तो बात करेंगे जी, किसानों के साथ बात करेंगे, जो नेता यहाँ पर खड़े हैं। हम तो 5 बजे खड़े जी, अब गेट पास अब पड़ने लगे। हाँ, अब बढ़ने लग रहे जी, और आगे भी अभी वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, अभी तो देखते हैं जी क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद ही पता लगेगा। हाँ जी, यार रोटी पानी का वैसे चाहिए? कुछ नहीं है जी, भूखे खड़े हम तो, तड़की गए सवेरे के भूखे यार, 5 कुछ नहीं जी, परेशान है। हाँ, 1 मिनट रुक, ट्रैक्टर से उतर के जाए, जब लाइन चल पड़ती है फिर ट्रैक्टर पे आना पड़ता है, कोई चाय का कब तक नहीं है जी अभी तक। क्या नाम है, कहाँ से? सुरेश मराठा जी, जुंडला से। जुंडला से? हाँ जी। तो ये थे सुरेश जो कि जुंडला से आए हैं, परेशानी बता रहे हैं कि उनको आकर के गेट पर सुबह 5 बजे पता लगा कि बोली निरस्त कर दी गई, अब खरीद नहीं होगी, जो कि 11 अक्टूबर को अब दोबारा से किसानों को आना पड़ेगा। इसके लिए कोई मैसेज भी इस बार नहीं है,
ना ही कोई मैसेज बता कहा। सर आपको कोई जानकारी मिली थी, बुलाया गया आपको यहाँ? बुलाया गया है जी। हाँ जी। क्या कहा था भाई? एक तारीख को बोले, एक तारीख को बोली होगी? नहीं, आरती ने बोला था एक तारीख को होगी। आरती ने बोला था अभी आज खरीद होगी। हाँ सर, आपको यहाँ बुलाया गया था, मैसेज इस बार? नहीं, मैसेज नहीं करी अभी तक, लेकिन हमने पोर्टल जो करवाया था नहीं, तो पहली तारीख का जो कल तक पता था भाई पहली तारीख को होगा, तो उसी हिसाब से लेके आए। हाँ, कल दस ग्यारह बजे आरती से बात हुई थी जी, वो कहने लगे भाई जीरी कटवा लो, कल को परचेज शुरू हो जाएगी। हाँ, अभी हाँ धान का तो गवर्नमेंट ने बोल दिया था ना भाई, जिम्मेदार अपने हिसाब से जब भी मंडी में लेके आ सकता है। हाँ, इसीलिए ले आए। हाँ जी, हाँ यहाँ पता नहीं लगे जी बिल्कुल भी, कल तक भी पता होता तो रुक जाते, लेकिन ऊपर से मौसम खराब है, कैसे रुकते। हाँ यहाँ इंतजार करेंगे जी, देखते हैं क्या होगा। तो किसान यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और उनका कहना है कि उनको यहाँ पर एक तारीख का पता था कि धान की खरीद शुरू होगी और इसी चक्कर में वो अपनी धान काट कर खेतों से लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं कि लाइनों में किसानों की ट्रालियाँ लग चुकी हैं और किसान अपनी धान लेकर आए हैं। फिलहाल उनको यहाँ पता लगा कि अभी अब खरीद नहीं होगी और खरीद 11 तारीख को होगी, 10 दिन और टाल दिया गया। और किसानों के लिए जिन्होंने अपनी धान काट ली थी काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि सरकार द्वारा एकदम आदेश आए हैं। सर क्या पता लगा यहाँ पर आकर जी? यहाँ पे कभी इनका सर्वे नहीं चल रहा, कभी कुछ जी, सुबह से लाइन में खड़े हैं 5 बजे से। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ पता लगा कि अब खरीद भी खरीद नहीं है, 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। 11 तारीख तक खरीद नहीं है? नहीं, यहाँ मैं 2 दिन का ही पता लगा जी, 11 तारीख का आपसे सुनी अभी। सरकार के आदेश है वो 11 को बोली हो गया खरीद, 11 तक तो जी बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ जाएगी जी। तो कितने खेत लाए आप, कितने खेत की काट के लाए? 1.5 किले के लाए जी अभी तक। हाँ जी। और आगे आप इंतजार करना पड़ेगा सरकार का? इंतजार करना पड़ेगा जी। कहाँ से आप आए? अथलाना से जी। अथलाना से कितने किलोमीटर पड़ता है? पड़ता है 18-20 किलोमीटर जी। 18-20 किलोमीटर पे ये थे हथलाना से आए हैं किसान, जो कि 20 किलोमीटर से चलकर यहाँ पर आए हैं और लाइन में सुबह से लगकर यहाँ पर खड़े थे। अब धान की जो खरीद है वो बंद कर दी गई है, शुरू 1 तारीख से होनी थी परंतु आदेश जो आए हैं वो अब 11 तारीख से होंगे। आप देख रहे हैं कि लाइनें अब ट्रालियों की लग चुकी हैं, किसान अब इंतजार कर रहे हैं कि उनकी धान की खरीद होगी, गेट पास मिलेगा, परंतु यहाँ पर आकर उनको अचानक पता लग रहा कि जो धान की खरीद है वो 10 दिन और टाल दी गई। अब 10 दिन के बाद ही धान की खरीद होगी, परंतु किसान इस इंतजार में आए थे कि आज उनका धान बिकेगा। सर क्या क्या पता लगा था आपको कि 1 तारीख से बोली? 1 तारीख से पहले बोली चालू हो जाएगी। अच्छा, अब पता लगा कि बोली खत्म ही हो गया बिल्कुल ही। 11 को भी पक्की नहीं है अभी, 10 तारीख तक तो खेत में जीरी रहने की भी नहीं। अच्छा, पकी खड़ी सब। तो सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को क्या, अब तो अनाज मंडी में रुलेगी यूं जीरी। अनाज मंडी में उतार के बैठेंगे? बैठे कहाँ, यही सड़ेगा अनाज। वहाँ तो सस्ती ले रहे हैं, 400 रुपए क्विंटल, 500। फिर 10 तारीख यही तो प्लान है, 10 तारीख ना बोली आंधी तो रेट भी लगता, 1 तारीख को आंधी, अब 10 को आएगी इतना धान रहने की नहीं, रहने का नहीं हो जाएगा 10 दिन तक। एक स्प्रे के दो कहाँ से आए? काछुआ। काछुआ से आए, क्या नाम है? शमशेर। तो ये है शमशेर जो कि काछुआ से आए हैं और उनका कहना है कि 10 दिन तक तो फसल ही ख़त्म हो जाएगी और वो अब क्या करेंगे, उनकी धान की फसल ख़त्म हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी, इसी को लेकर के अब आप देख रहे हैं कि जो सुबह 5 बजे से जो किसान है वो यहाँ पर ट्रालियों में आना शुरू हो चुके थे और अब यहाँ पर आकर पता चला कि खरीद बंद कर दी गई है। धान की खरीद सरकार द्वारा अब 11 तारीख से शुरू की जाएगी। किसान आए हैं, आपको क्या पता लगा जी, कहाँ से आए हैं आप? काछुआ गांव से। है जी, काछुआ गांव से। काछुआ से आए हैं जी। अब क्या यहाँ आकर पता लगा जीरी की 11 तक? 11 और आप ले आए, क्या सोच के आए थे हमने? क्या पता, हम तो एक तरीके से यहाँ आज बोली है, एक तरीके से माल रुके में आ गए। हाँ जी, सरकार ने रात को अचानक बंद कर दिया, लेटर भेज दिया कि धान खरीदे। जीरी हमने कल सांझ कटवा ली, हमने पता नहीं था, इस करके 1 तारीख को आना पता नहीं था ना जी, 1 तारीख को बोली थी इस करके कटवा ली थी। क्या नाम आपका? रतन लाल जी। कहाँ से आए? काछुआ गाँव से। तो सभी जो हैं रतनलाल जी हैं काछुआ से आए हैं और ट्रालियों में यहाँ पर लाइनों में खड़े हो गए। आप देख रहे हैं कि ट्राली गेट से लेकर के बाहर तक काफ़ी लंबी ट्रालियों की लाइन लग चुकी है। किसान इसलिए यहाँ पर आए थे कि उनकी 1 तारीख को धान की खरीद होगी, परंतु यहाँ पर पता चला कि धान की खरीद अब 11 तारीख को होगी और 11 तारीख तक किसान कैसे इंतज़ार करेगा,
यहाँ पर लाइनों में बैठे हैं। सुबह 5-6 बजे के किसान आए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता गेट पास बनना शुरू है। सर कहाँ से आए आप, कितने बजे यहाँ पर पहुँचे थे? हम 8:30 चले थे कुंजपुरे से। अच्छा, कुंजपुरे से आए हो? हाँ, 2.5 घंटे। तो क्या सोच कर आज आए? ये सोच कर आए थे भी बिक जाएगी ना बिक जाएगी, अब सोच रहे भाई। अब तो 11 तारीख को कह दिया सरकार। हाँ, 11 तारीख को कह दिया। यहाँ के फंस गए किस्म से? बस ये तो जी दिख लग रहा जाम में फंसे खड़े। अब अंदर सस्ती बेचनी पड़ेगी। अब देखो जी क्या होगा, अंदर जाके पता लगेगा। सेलर मालिक तो 300-400 रुपए कम बताया जा रहा है। और देखो जी क्या होगा, अंदर जाके पता लगेगा। वो तो गेट पास बनाएंगे, इंतजार करना पड़ेगा। 11 दिन का इंतजार करोगे सरकारी खरीद के? क्या करा जी, करना पड़ेगा। अंजाम बैठे गए, बेबसी है, बेबसी है, मजबूरी है अभी, मजबूरी में। क्या नाम आपका? आप श्रीपाल। श्रीपाल कहाँ से आए? ये श्रीपाल हैं जो कुंजपुरा से आए हैं। अब उनको आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं किसानों के साथ। कहीं ना कहीं अब उनको धोखा समझ रहे हैं कि उनको 1 तारीख का झांसा दिया कि 1 तारीख को धान की खरीद होगी, परंतु अब 1 तारीख की धान खरीद निरस्त कर दी गई। अब 11 तारीख को धान खरीद होगी। पीछे बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। धान की खरीद का सिलसिला आज से शुरू होना था, परंतु अब धान 11 तारीख से जो सेल होगी। आप देख रहे हैं ट्रालियों में भरी खड़ी है धान, और इसका अब खरीदारी जो है PR धान आई है, उसकी खरीदारी अब 11 तारीख से होगी। सरकार द्वारा मॉइस्चर व गिल्ला नमी होने के कारण इसको बोली को खरीद को पीछे हटा दिया। अब आप देख रहे हैं कि किसानों की बड़ी बड़ी लाइनें तो लग चुकी हैं, परंतु उनको यहाँ गेट पर आकर पता चला कि अब 11 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब मुश्किल ये है, प्रॉब्लम ये है कि वो 11 दिन 10 दिन इंतज़ार कैसे करेंगे, यहाँ पर खड़े होंगे या अपनी धान को सस्ता बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। ट्रालियाँ लंबी लंबी लाइनों में आना शुरू हो चुकी हैं। अब गेट पास बनाया जा रहा है कि सिर्फ वो एंट्री अंदर कर सकें, परंतु सरकारी खरीद नहीं होगी। मैं हूँ करनाल से KC आर्य, पंजाब केसरी TV।